गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हाउ आर यू ऑल? ऑल फाइन? ओके, सो आज हम लोग लैडर लॉजिक शुरू करेंगे। ठीक है, देखो पीएलसी का हम लोग लास्ट पे थोड़ा सा एक ओवरऑल व्यू लिए थे कि पीएलसी क्या होता है ना, और फिर हमने देखा था कि पीएलसी के साथ जो क्या कहते हैं इसको कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, और हमने ये भी देखा था कि जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है और पीएलसी होता है उसमें क्या अंतर होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएलसी क्या क्या होते हैं, वो सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देखा था। और आज की क्लास में हम लोग पीएलसी का प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। ठीक है, कि देखो कोई भी कंट्रोलर है यार, कोई भी कंट्रोलर होगा तो उसको प्रोग्रामिंग तो करना ही करना है। तो मैंने लास्ट में आपको बताया था कि अपना जो भी कंट्रोलर है, पकड़ लो आपका ब्रेन भी पकड़ लो, तो उसमें क्या है, एक प्रोग्राम पहले से प्रीसेट है। अगर वो प्रोग्राम ना नहीं हो तो फिर क्या होगा, आज अगर आपके आपका दिमाग का अगर प्रोग्रामिंग उड़ जाए, है ना, होता है ना बहुत लोगों के साथ प्रोग्रामिंग उड़ जाता है, तो वो कमांड कुछ होता है, वो एक्शन कुछ लेता है, उसका सेंसर कुछ कहता है, वो कुछ और ही करता है। तो पीएलसी का प्रोग्रामिंग भी उसी तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं अपना पीएलसी प्रोग्रामिंग से, है ना। ओके, इज माय स्क्रीन विजिबल टू यू ऑल? काइंडली गिव मी फीडबैक। Is my screen visible to you all? Okay, thank you, Abhishek. So, bhai, PLC for beginner, programming a PLC. सबसे पहले ये समझते हैं कि PLC काम कैसे करता है, ठीक है? How does PLC work? PLC काम कैसे करता है? पीएलसी जैसे ही आप उसको प्रोग्रामिंग करके, आप जैसे ही पीएलसी को रन मोड पे डालोगे, उसका पावर सप्लाई ऑन करोगे, सबसे पहले वो काम क्या करेगा, सबसे पहले वो काम करेगा इंटरनल चेक्स। ठीक है, पीएलसी अपना इंटरनल जितना सारा कंपोनेंट है वो सारे कंपोनेंट को चेक करेगा, और कैसे चेक करेगा, वो वोल्टेज लेवल चेक करेगा कि हर एक आईसी में, हर एक कॉम्पोनेंट पे जितना वोल्टेज लेवल चाहिए क्या उतना मिल रहा है। सो इफ ऑल सर्किटरी आर ओके, देन पीएलसी क्या करेगी, पीएलसी इनपुट स्कैन करेगी। मतलब आप जितने सारे इनपुट वेरिएबल्स आप उसको असाइन करके रखे हो, सारे इनपुट का स्टेटस चेक करेगी। समझना बहुत बारीकी से कि वो सारे इनपुट का स्टेटस चेक करेगी एक ही साथ, सिक्वेंशियली एक एक करके। पहले क्या करेगी, सारे इनपुट का स्टेटस चेक करेगी, और वो इनपुट का स्टेटस लेके क्या करेगा, वो इनपुट का स्टेटस वो अपने इंटरनल इमेज मेमोरी में सेट करके रखेगा। ठीक है, अभी पकड़ लो अगर डिजिटल इनपुट है तो या तो जीरो होगा या वन होगा, तो वो जीरो या फिर वन वो दोनों वैल्यू को लेगा, जीरो है तो जीरो सेट करेगा, वन है तो वन सेट करेगा। कहाँ पे सेट करेगा, इंटरनल इमेज मेमोरी पे, मतलब मेमोरी रजिस्टर जो है वहां पे जीरो या फिर वन सेट करेगा। उसके बाद जब सारे इनपुट का स्कैन हो जाएगा, देन इट विल गो फॉर लॉजिक एग्जीक्यूशन। फिर जो लॉजिक आपने लिखा है, पीएलसी को प्रोग्राम किया है, डाउनलोड किया है लॉजिक, उस लॉजिक को वो एग्जीक्यूट करेगा, और लॉजिक को एग्जीक्यूट करते टाइम वो वेरिएबल्स का वैल्यू कहाँ से लेगा, वो इनपुट स्कैन में जो स्टोर्ड वैल्यू है ना वहीं से लेगा, वो डायरेक्टली फील्ड से वैल्यूज नहीं लेगा, वो इंटरनल इमेज मेमोरी से सारा वैल्यूज लॉजिक पे सेट करेगा। एंड देन इट विल कैलकुलेट कि भाई आउटपुट क्या आना चाहिए। जब उसको पता चलेगा कि आउटपुट ये आना चाहिए, तो सारे आउटपुट वैल्यूज को फिर से इंटरनल इमेज मेमोरी पे सेट करेगा। ठीक है, और इंटरनल इमेज मेमोरी पे सारे आउटपुट का वैल्यू स्टोर करने के बाद वो कहाँ जाएगा, आउटपुट स्कैन पे जाएगा। देन इट विल स्कैन ऑल द आउटपुट चैनल्स, सारे आउटपुट चैनल्स जो उसके, वो सारे सारे चैनल्स को स्कैन करेगा, और जो वैल्यूज उसके दिमाग पे है, सेट किया हुआ है मेमोरी पे, उस वैल्यू के हिसाब से वो आउटपुट को चेंज करेगा, जीरो है तो ऑफ करेगा, वन है तो ऑन करेगा। इस टाइप से पीएलसी क्या करती है, पूरा एक साइकिल कंप्लीट करती है। क्या क्या, इंटरनल चेक्स, इनपुट स्कैन, लॉजिक एग्जीक्यूशन, देन आउटपुट स्कैन। और एक बार एक स्कैन खत्म होने के बाद पीएलसी रुकेगी नहीं, वो क्या करेगी, फिर से इंटरनल चेक करेगी
फिर से आपका इनपुट स्कैन करेगी, फिर से लॉजिक एग्जीक्यूशन करेगी, फिर से आउटपुट स्कैन करेगी, ठीक है। सो दिस इज द साइकिल, जिस साइकिल पे पीएलसी क्या करती है, अपना पूरा प्रोग्राम को स्कैन करती है, इनपुट को स्कैन करती है, लॉजिक को एग्जीक्यूट करती है, आउटपुट को स्कैन करती है, और फिर अपना इंटरनल जो सिस्टम है उसको भी चेक करती है, एंड देन वंस अगेन इट गो फॉर द इनपुट स्कैन, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्कैन साइकिल, पीएलसी का स्कैन साइकिल। क्या है पीएलसी का स्कैन साइकिल? इनपुट स्कैन, लॉजिक एग्जीक्यूशन, आउटपुट स्कैन, इंटरनल चेक। और पीएलसी एक सेकेंड में कई बार ये स्कैन करती है। पकड़ लो, अगर स्कैन टाइम आपका मिली सेकेंड में है तो आप समझ सकते हो कि एक सेकेंड में कई बार वो पूरा फील्ड में जितने सारे इनपुट लगे हुए हैं सारे इनपुट को स्कैन करेगी, लॉजिक को एग्जीक्यूट करेगी। हो सकता है आपने जो लॉजिक लिखा है वो 500 रंग्स का हो, 5000 रंग्स का हो, लेकिन वो एक सेकेंड के अंदर सारे रंग्स को एग्जीक्यूट करके आउटपुट को सेट करके आउटपुट चेंज भी कर देगी। एक सेकेंड कितना टाइम होता है, अपना पलके झुकाए और उठाए उसके अंदर आपका जो 1 किलोमीटर रेंज का जो फील्ड है, और फील्ड में शायद से हजारों इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट को स्कैन करके वो आउटपुट को चेंज कर सकते, उतना फास्ट होता है पीएलसी, है ना। नाउ प्रोग्रामिंग पीएलसी, हमको प्रोग्रामिंग सीखना है पीएलसी का। और पीएलसी का जो प्रोग्राम होता है वो किसके बेसिस पे होता है और क्या क्या लॉजिक इंस्ट्रक्शंस हैं वो देखते हैं। तो एज पर योर आईईसी 61131, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है आपका प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के लिए। पीएलसी का स्टैंडर्ड जो सेट करते हैं उसको कहते हैं आईईसी 61131। इसके मुताबिक आपके पास 5 लैंग्वेजेस है जिससे आप पीएलसी को प्रोग्राम कर सकते हो। मतलब कोई भी पीएलसी मैन्युफैक्चरर जो है वो अपने पीएलसी में इन 5 लैंग्वेज का ऑप्शन रखती है स्टैंडर्ड ऑप्शन से। अगर इस इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज नहीं होगा और आपने कंट्रोलर बनाया तो उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये लैंग्वेजेस क्या क्या है, पहला है आपका इंस्ट्रक्शन लिस्ट, ठीक है। इंस्ट्रक्शन लिस्ट क्या है, इट इज अ लो लेवल लैंग्वेज। आपको पता है इंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं जिस तरीके से, तो पकड़ लो MOV हो गया आपका, आप लोगों को पता नहीं माइक्रो प्रोसेसर पढ़े हो नहीं पढ़े हो, तो जैसे माइक्रो प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शंस रहता है उसी टाइप का ऑपरेंड्स एंड ऑपकोड्स देके हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस लिखने होते हैं। तो दिस इज अ लो लेवल लैंग्वेज। दूसरा है स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट। तो स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें आप डू व्हाइल इफ नॉट तो इस टाइप का लैंग्वेज यूज कर सकते हो। फिर आता है आपका SFC। SFC क्या होता है, सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट, और सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट भी बोलते हैं, सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट भी बोलते हैं SFC। तो सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट ये ग्राफिकल लैंग्वेज है जिसमें आपको पूरा सीक्वेंस जो है एल्गोरिदम जैसे लिखते हैं उस टाइप से आपको पूरा लिखना होता है। और नेक्स्ट इज योर फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम FDD, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लैंग्वेज काफी ज्यादा यूज होता है DCS पे। किस पे यूज होता है, DCS पे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम जो होता है वहां पे हम लोग FDD लैंग्वेज यूज करते हैं। और पीएलसी के लिए जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है आपका लैडर डायग्राम या फिर लैडर लॉजिक होता है, है ना। तो हम लोग ये जो सेशन है इसमें हम लोग लैडर लॉजिक कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे। अब इनमें से देखो ये जो तीनों है, लास्ट के तीनों है SFC से लेके आपका फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, लैडर डायग्राम, ये सब किस टाइप के लैंग्वेज है, दे आर ग्राफिकल लैंग्वेज। पहला दोनों क्या है, टेक्स्टुअल लैंग्वेज। स्ट्रक्चर टेक्स्ट क्या है, जैसे हम लोग सी करते हैं या फिर C++ लिखते हैं उस टाइप का लैंग्वेज है। और इंस्ट्रक्शन लिस्ट, जैसे आप लोग माइक्रो प्रोसेसर में कमांड देते हो LD फॉर लोड टू, इस टाइप का कमांड होता है, इसीलिए वो लो लेवल लैंग्वेज। समझ में आया लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या है, 5 टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं PLC किसी भी कंट्रोलर का, प्रोग्रामेबल कंट्रोलर का, इंस्ट्रक्शन लिस्ट, स्ट्रक्चर टेक्स्ट, सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम एंड लैडर डायग्राम, लैडर लॉजिक, ठीक है। उसमें से फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम कहाँ के लिए यूज होता है, मेनली आपका DCS के लिए यूज होता है। और PLC में जो लैंग्वेज यूज करते हैं मोस्टली जो लैंग्वेज यूज होता है वो होता है आपका लैडर लॉजिक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि लैडर लॉजिक होता क्या है और
अगर आपको प्रोग्रामिंग करना है, ठीक है, पीएलसी को प्रोग्राम करना है, तो आपको क्या क्या चाहिए? देखो, वी राइट द प्रोग्राम इन आवर पीसी और लैपटॉप। तो आपको एक पीसी या फिर लैपटॉप चाहिए यूजिंग सुइटेबल प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। आप जो प्रोग्राम लिखोगे वो किस पे लिखोगे? एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आएगा, वो सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, दैट विल डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ द पीएलसी एंड पर्टिकुलर सीरीज ऑफ द पीएलसी। दो चीज, एक तो हो गया ब्रांड। ब्रांड क्या है कि कौन सा मेक का पीएलसी आप यूज कर रहे हो सकता है आप एलन ब्रेडली का पीएलसी यूज कर रहे हो सकता है आप मिट्सुबिशी का पीएलसी यूज कर रहे हो, डेल्टा का पीएलसी यूज कर रहे हो, तो उसका एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आएगा, उसी सॉफ्टवेयर में आपको पूरा प्रोग्राम लेटर लॉजिक लिखना है। देन वी सिमुलेट द प्रोग्राम फॉर फॉल्ट फाइंडिंग एंड एरर चेक। सिमुलेशन क्या है, व्हाट वी मीन बाय सिमुलेशन? सिमुलेट करना मतलब आपने प्रोग्राम तो लिख लिया अपने कंप्यूटर पे, अभी ये प्रोग्राम जो आपका कंडीशन है वो सेम कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे पता चलेगा? ऐसा तो नहीं है कि हमने प्रोग्राम लिखा और वो सारे सही होंगे हमेशा, और आप डायरेक्ट डाल दोगे पीएलसी में और फिर देखा कि आपका मशीन उड़ गया, है ना? अब इंडस्ट्री का मामला है यार, इतने सारे मशीन होते हैं, तो वहां पे जब आपको कोई भी एक नया प्रोग्राम डाउनलोड करना है तो उससे पहले कई बार आपको सोच लेना चाहिए कि इससे कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। हो सकता है कि आज शुरुआत में कोई प्रॉब्लम ना आए, बट हो सकता है ना कि 6 महीना बाद, 1 साल के बाद कुछ एक माल फंक्शन कर जाए, कि कुछ एक ऐसा कंडीशन आ गया है जिसके चलते प्रोटेक्शन नहीं रहा। तो हम ऑटोमेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ पे देते हैं? प्रोटेक्शन पे देते हैं, कि मशीन का प्रोटेक्शन हो, कि जो अगर कोई एब्रप्ट सिचुएशन है तो वहां पे मशीन स्टॉप हो जाए, बंद हो जाए। तो वी प्रेफर स्टॉप देन स्टार्ट, कि स्टार्ट तो हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन स्टॉप होना चाहिए, इमरजेंसी सिचुएशन पे स्टॉप होना चाहिए, ठीक है? नाउ तो हमने क्या किया, हमने कंप्यूटर पे अपने लैपटॉप पे अपना एक प्रोग्राम लिखा और फिर उस प्रोग्राम को पीएलसी में डाउनलोड करने से पहले हमने सिमुलेट किया, ठीक है? सिमुलेशन समझ में आया, वर्चुअली हम चेक करते हैं इनपुट दे दे के विदाउट कनेक्टिंग टू द पीएलसी कि ये मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वंस वी आर एश्योर्ड ऑफ द करेक्टनेस ऑफ द प्रोग्राम, कि अगर प्रोग्राम सही है, वी कनेक्ट द पीएलसी थ्रू सम स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। अब ये स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या है? हर एक पीएलसी कुछ अपना एक प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है, ठीक है? प्रोटोकॉल्स आपको पता होगा, प्रोटोकॉल मतलब क्या है? रूल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो वो प्रोटोकॉल अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फिर आप पीएलसी में डाउनलोड नहीं कर पाओगे प्रोग्राम को। इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आते हैं, जैसे मॉडबस होता है, प्रोफिबस प्रोटोकॉल होता है, आपका TCP/IP प्रोटोकॉल होता है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है? अब उसी के हिसाब से हमको केबल भी चाहिए, कि कौन सा केबल सिलेक्ट करेंगे, किस पीएलसी के लिए कौन सा केबल होगा, भाई कैसे कनेक्ट करेंगे। वो केबल उसी पीएलसी का, जो पीएलसी आपने लिया है उस पर्टिकुलर पीएलसी का केबल होगा, और अगर टीसीपी इथरनेट सपोर्ट करता है तब तो इथरनेट केबल चाहिए, अगर RS-232 सपोर्ट करता है तो RS-232 का केबल चाहिए, 485 होगा 485 का केबल चाहिए। तो इस टाइप से अलग अलग केबल्स होते हैं, ठीक है? सो केबल्स को लगाए कंप्यूटर के साथ, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, प्रोटोकॉल्स को मैच कराए, एंड देन वी डाउनलोड द प्रोग्राम इनटू द पीएलसी फॉर फॉलोइंग स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस। तो हमको बॉड रेट सेट करना होता है, कि कितने रेट पे डाटा ट्रांसफर होगा, जो कंप्यूटर पे जो सॉफ्टवेयर है उसका बॉड रेट, पीएलसी का बॉड रेट, उसको मिलाना पड़ता है, वो सारे TCP/IP को सेट करना पड़ता है, करके हम क्या करेंगे, अपना जो प्रोग्राम है उसको डाउनलोड करेंगे। ड्यूरिंग अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग, व्हाट इज अपलोडिंग? अपलोडिंग मतलब पीएलसी से प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पे लेना, और डाउनलोडिंग क्या है, पीएलसी में अपना जो प्रोग्राम है उसको पीएलसी में डाउनलोड करना, ठीक है? तो अपलोड मतलब पीएलसी में ऑलरेडी प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को हम अपलोड कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पे, ताकि कुछ मॉडिफिकेशन कर सके या फिर कुछ एडिट कर सके, मॉडिफिकेशन कर सके या फिर देख सके कि क्या है। डाउनलोड क्या है, एक प्रोग्राम हमने बनाया कंप्यूटर पे, उसी को पीएलसी में देना है। नाउ ड्यूरिंग अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग पीएलसी मस्ट बी स्विच टू द प्रोग्राम मोड। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पीएलसी का जो सीपीयू होता है उस सीपीयू में 3 मोड होते हैं, एक होता है आपका रन मोड, एक होता है रिमोट मोड, और एक होता है आपका प्रोग्राम मोड, है ना? अब हमको क्या करना है, प्रोग्राम मोड को सिलेक्ट करना है। अगर आप प्रोग्राम मोड को सिलेक्ट नहीं करते हो
और आप पीएलसी में डाउनलोड करने की कोशिश करते हो तो कम्युनिकेशन एरर दिखाएगा, पीएलसी प्रोग्राम अपलोड या डाउनलोड करने नहीं देगी, ठीक है। वंस यू आर यू डाउनलोड द प्रोग्राम सक्सेसफुली टू द पीएलसी सीपीयू, देन व्हाट यू डू, यू स्विच द पीएलसी टू रन मोड। जब तक आप रन मोड में दे दोगे, जो प्रोग्राम जो आपने स्टोर अभी डाउनलोड किया है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको रन मोड में डालोगे तब जाके पीएलसी स्कैनिंग शुरू करेगी और आपका जो लॉजिक है उसको एग्जीक्यूट करेगी। क्लियर दिस मच? एक बार रिपीट कर दूं क्या क्या अभी तक बोला हमने, कि हमने देखा सबसे पहले कि पीएलसी काम कैसे करता है। पीएलसी काम करता है स्कैन साइकिल पे। स्कैन साइकिल क्या होता है, सबसे पहले वो इनपुट स्कैन करती है, इनपुट स्कैन के बाद लॉजिक एग्जीक्यूट करती है, लॉजिक एग्जीक्यूट के बाद आउटपुट स्कैन होता है और फिर इंटरनल चेक्स होता है। इसी साइकिल को हम बोलते हैं स्कैन साइकिल। तो पीएलसी सिक्वेंशियल डिवाइस है, सिक्वेंशियली करेगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि उसने दो इनपुट लिया, एक लॉजिक को एग्जीक्यूट किया, एक आउटपुट को दे दिया, फिर बीच में कुछ इनपुट को स्कैन कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। चाहे इनपुट का वेरिएशन बीच में हो जाए, ठीक है, वो एक ही सीक्वेंस पे जाएगी कि पहले इनपुट स्कैन, देन लॉजिक एग्जीक्यूशन, देन आउटपुट स्कैन, देन इंटरनल चेक्स, ठीक है। और इस पूरे साइकिल को एग्जीक्यूट करने में जितना टाइम लगता है उतने टाइम को हम बोलते हैं स्कैन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या है कि हमको, हमारे पास पांच ऐसे इंटरनेशनल लेवल के लैंग्वेज है जिससे हम प्रोग्रामिंग करते हैं। क्या क्या था लैंग्वेज? पहला लैंग्वेज है इंस्ट्रक्शन लिस्ट, देन स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट, देन सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट, देन फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम एंड लैडर लॉजिक। इंस्ट्रक्शन लिस्ट क्या है? इट इज ए लो लेवल लैंग्वेज जो बहुत ही कम रेयरली यूज करते हैं। स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है जैसे सी है, सी प्लस प्लस है। फिर क्या है? सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट, फंक्शन चार्ट, इट इज ए ग्राफिकल लैंग्वेज, ये यूज होता है। फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम डीसीएस के लिए प्रेफर्ड, देन लैडर डायग्राम व्हिच इज प्रेफर्ड इन केस ऑफ योर पीएलसी, जिसमें से सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम एंड लैडर डायग्राम ये आपके ग्राफिकल लैंग्वेज है, बाकी दोनों टेक्स्टुअल लैंग्वेज है। टेक्स्टुअल मतलब समझते हो, लिखित, है ना। नेक्स्ट हमने हमको हमने देखा कि हमको अगर पीएलसी को प्रोग्राम करना है भाई, तो पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए क्या क्या टूल्स चाहिए। हमको एक लैपटॉप या पीएलसी चाहिए जिसमें एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, और ये सॉफ्टवेयर कौन सा होगा, जिस ब्रांड का पीएलसी होगा उसी ब्रांड का, उसी मॉडल का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रांड देख के सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे आप, उसी ब्रांड का, उसी सीरीज का मॉडल के हिसाब से सॉफ्टवेयर आएगा और आपको आपको उसी सॉफ्टवेयर पे प्रोग्रामिंग करनी है। एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हो सकता है दो तीन सीरीज के पीएलसी को सपोर्ट करे, है ना। फिर आपको एक कम्युनिकेशन केबल चाहिए जो पर्टिकुलर पीएलसी के हिसाब से होना पड़ेगा, जो उसके कंट्रोल प्रोटोकॉल को सपोर्ट कर रहा हो। फिर आपको कंट्रोल फिलोसॉफी चाहिए, जिस कंट्रोल फिलोसॉफी के ऊपर बेस करके आप प्रोग्रामिंग करोगे। एंड देन आपको इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कितने लगाने हैं, उसका जो क्या कहते हैं उसको, स्टेटस, नॉर्मल स्टेटस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट पे पहला मैंने कराया था आपको एनओ एनसी कि नॉर्मली ओपन है कि नॉर्मली क्लोज है। तो इनपुट डिवाइस का जो नॉर्मल फिजिकल स्टेटस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमको पता होना चाहिए कि ये जब एनर्जाइज होगा तब कौन से पोजिशन पे होगा, और ये जब नॉर्मल स्टेट पे है तब कौन से पोजिशन पे, तभी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो सक्सेसफुली एक पीएलसी के अंदर। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर हाउ टू प्रोग्राम ए पीएलसी, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? एनीबडी हैज एनी डाउट और एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस प्रोग्रामिंग? सर इंटरनल चेक में क्या होता है? इंटरनल चेक में पीएलसी अपना जो पूरा जो सर्किटरी है ना, जैसे आपने उसमें इनपुट कार्ड्स लगाया, आउटपुट कार्ड लगाया, सीपीयू लगाया हुआ है, पावर सप्लाई लगाया है। हो सकता है कि एक पीएलसी के सीपीयू के साथ आपने एक्सटेंशन बहुत सारे रखे हो, ठीक है। हो सकता है कि लूप में बहुत सारे पीएलसी लगा के रखे हो, तो इस टाइप से वो इंटरनल चेक पे वो सारे के सारे जो भी उसका हार्डवेयर कनेक्टेड है उसका हेल्दीनेस चेक करता है कि सब में पावर सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब हेल्दी है कि नहीं है। अगर कोई एक कार्ड अगर फेलर है, पकड़ लो कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है ना, तो वो फॉल्ट इंडिकेशन देगा आपको,
लास्ट टाइम हमने जो देखा था पीएलसी का सीपीयू का मॉडल, उसमें एक तो एलईडी दिखाया था फॉल्ट। तो अगर पकड़ लो आपने तीन मॉड्यूल लगा के रखे हैं एक सीपीयू के साथ, है ना, और एक मॉड्यूल कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, देन पीएलसी विल नॉट वर्क। पीएलसी क्या करेगी, वहीं पे स्टॉप करेगी और फॉल्ट एलईडी ब्लिंक कर रहा होगा या फिर ऑरेंज कलर का फॉल्ट एलईडी चलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि इसमें इसके हार्डवेयर पे कुछ प्रॉब्लम आया है या फिर पीएलसी के इंटरनल में कुछ प्रॉब्लम आया है। तो आपको चेक करना है भाई कौन सा, हो सकता है कोई कार्ड कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, हो सकता है कोई केबल टूट गया है, कट गया है, तो वो सारी चीजें आपको इंटरनल चेक्स पे पीएलसी बता देती है। ठीक है, समझ गए मोटे मोटे तौर पे, अभी समझ गए कि पीएलसी कैसे काम करता है ना। एवरीबॉडी आगे बढ़े। यस सर, चलिए थैंक यू। तो हम अभी लैडर लॉजिक को देखते हैं कि लैडर लॉजिक कैसे लिखा जाता है और उसमें क्या क्या सिंबल्स यूज होते हैं। हमने देखा है कि इट इज ए ग्राफिकल लैंग्वेज, है ना। तो चलो शेयर करता हूँ। इंट्रोडक्शन टू लैडर लॉजिक करते हैं। So how to write ladder logics? ठीक है, ladder diagram. So ladder logic is a symbolic language. कैसा language है? Symbolic language है. और इसमें कई सारे symbols, बहुत सारे symbols, इसका जो compiler है उसमें already predefined है ना? There are a lot of symbols defined to meet all the requirements of a programmer. आज के date का जो PLC है, अगर थोड़ा बड़ा टाइप का मॉड्यूलर टाइप का पीएलसी लेते हो, देन इट इज ऑलमोस्ट कंपेयरेबल टू योर डीसीएस सिस्टम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम के जैसा ही काम करेगा। और एक पीएलसी कंपाइलर पे उतने सारे सिंबल्स होते हैं कि आपका कोई भी टाइप का काम हो वो सपोर्ट करेगा, है ना। अब देखते हैं कि इसमें जो इतने सारे सिंबल्स है उसमें से मैं पहले तीन बेसिक सिंबल्स आपको बताने जा रहा हूँ, और बहुत ध्यान से समझना इसको, इन तीनों सिंबल्स को, कि अगर ये तीनों सिंबल्स आप प्रॉपरली समझ जाते हो और यूज कर सकते हो तो मोटा मोटी 80% प्रोग्रामिंग आप कर लोगे। डिजिटल प्रोग्रामिंग तो कर ही लोगे, ठीक है, डिजिटल सिग्नल्स को आप कंट्रोल कर लोगे। तो क्या है वो सिंबल्स? पहला सिंबल, दिस इज द फर्स्ट सिंबल, और इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड योर एनो कॉन्टेक्ट, या फिर इसको आप बोलोगे चेक फॉर वन, या फिर इसको बोलोगे एग्जामिन इफ क्लोज्ड। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने कॉन्टेक्टर में हमने देखा था कि कॉन्टेक्टर का जो एनो कॉन्टेक्ट होता है किसी भी कॉन्टेक्टर में, याद है, एक एनो कॉन्टेक्ट होता है। कब ये क्लोज होता है? जब इसका कॉयल जो है वो कॉयल एनर्जाइज होता है तब ये क्लोज होता है, और कॉयल अगर डी एनर्जाइज हो गया तो फिर ये ओपन हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे, मतलब फील्ड पे इन जनरल इसको एनो कॉन्टेक्ट ही बोलते हैं। कोई भी इंजीनियर से पूछो तो एनो कॉन्टेक्ट, फैंसी कॉन्टेक्ट ऐसे बोलेगा, बट आई विल सजेस्ट यू, यू डोंट यूज दिस टर्म एनो कॉन्टेक्ट। आप लोग अभी यूज मत करो, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज इन मेनी एरियाज व्हाइल लर्निंग। ठीक है, तो आपको इसको क्या नाम देना है, आपको सीधा बोलना है इट इज ए चेक फॉर वन कॉन्टेक्ट। क्या नाम है इसका? चेक फॉर वन, मतलब ये क्या चेक कर रहा है, it will check whether the value assigned to this symbol is one or not. अगर इसका value one है तो ये current को pass करेगा। ठीक है, now जो मैंने term use किया कि current को pass करेगा, क्या ये physical current है? नहीं, it is a virtual current, हम current बोल रहे हैं इसको। करंट मतलब क्या है कि ये लॉजिक को एग्जीक्यूट करेगा, आगे प्रोसीड करेगा, है ना। सो यहाँ पे देखो, दिस सिंबल इज कॉल्ड योर एनो कॉन्टेक्ट और चेक फॉर वन और एग्जामिन इफ क्लोज। अगर इसका वैल्यू, इसका वैल्यू मतलब किसका वैल्यू, इस सिंबल का तो कोई वैल्यू नहीं होगा। जैसे जब कभी भी हम सिंबल को यूज करेंगे तो सिंबल के साथ एक वेरिएबल को असाइन करना पड़ेगा, वो जो वेरिएबल होगा दैट वेरिएबल विल बी असाइन्ड और विल हैव ए रजिस्टर, विल हैव ए प्लेस इन योर
मेमोरी, ठीक है। तो इस वेरिएबल के नाम का एक मेमोरी यूनिट पे एक प्लेस क्या होगा, बुक किया होगा। अब इस मेमोरी प्लेस पे जो वैल्यू होगा अगर वो वन होता है तब जाके ये लॉजिक सेटिस्फाई करता है और आगे बढ़ने देता है, अदरवाइज रोक देगा। चलिए और भी समझेंगे इस चीज को। दूसरा सिंबल देखते हैं, सेकंड सिंबल क्या है। द सेकंड सिंबल इज कॉल्ड योर एनसी कॉन्टैक्ट और चेक फॉर जीरो और एग्जामिन इफ ओपन। अगर ये ओपन होता है, चलिए एग्जामिन इफ ओपन एंड क्लोज पे नहीं जाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आपको क्या पकड़ना है, सिर्फ पकड़ना है चेक फॉर जीरो। ये क्या है, चेक फॉर वन। ये क्या है, चेक फॉर जीरो। ठीक है, दिस इज योर चेक फॉर वन, दिस इज योर चेक फॉर जीरो। नाउ व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय चेक फॉर जीरो, कि ये चेक कर रहा है कि जीरो है कि नहीं है। जो मेरा एड्रेस मुझको जो असाइन किया हुआ है, जो वेरिएबल असाइन किया हुआ है, उसका वैल्यू क्या जीरो है। अगर जीरो है इसका मतलब ट्रू है, वो आगे बढ़ने देगा। अगर जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कोई भी दूसरा वैल्यू है, तो वो वहीं पे रोक देगा और पीएलसी को आगे प्रोसीड करने, मतलब प्रोग्राम को आगे प्रोसीड करने नहीं देगा, वो नीचे चला जाएगा, है ना। लास्ट सिंबल, तीसरा सिंबल जो है वो है एक आउटपुट कॉयल। ये एक ब्रैकेट की तरह दिखता है आउटपुट कॉयल, और इसको हम बोलते हैं नॉन रिटेंटिव कॉयल। नॉन रिटेंटिव मतलब इसका वैल्यू जो है वो होल्ड करके नहीं रख सकता है। इसका वैल्यू क्या होगा, जब तक इसके पीछे का जो रंग है उसमें जो कॉन्टेक्ट आप लगाओगे, इस टाइप से कुछ लगाएंगे हम देखेंगे, तो अगर इनका वैल्यू करेक्ट है और यहां तक करंट आ रहा है, तब जाके इसका ये अपना जो रजिस्टर है वहां पे वन स्टोर करेगी, अदरवाइज जीरो स्टोर करेगी। ठीक है, जैसे ही यहां से कट जाता है, करंट इधर से नहीं आ रहा होता है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो जीरो हो जाएगा। जैसे ही इधर से करंट आना शुरू हो जाएगा, इसका वैल्यू वन हो जाएगा। ओके, कुछ कुछ समझ में आया। तीन सिंबल्स, क्या क्या सिंबल पड़े, चेक फॉर वन, चेक फॉर जीरो एंड आउटपुट कॉइल। आउटपुट कॉइल क्या है, नॉन रिटेंटिव कॉइल। इट एक्ट्स लाइक सिमिलर लाइक योर कॉन्टेक्टर कॉइल। ठीक है, इसको आप कॉन्टेक्टर कॉइल के साथ तुलना कर सकते हो, और कॉन्टेक्टर का जो कॉन्टेक्ट है एनओ एंड एनसी, उसी की तरह बिहेव करता है आपका ये एनओ कॉन्टेक्ट या फिर एनसी कॉन्टेक्ट। बट इसको इलेक्ट्रिकल एनओ एनसी नहीं बोलेंगे। क्यों, इलेक्ट्रिकल एनओ या फिर एनसी कॉन्टेक्ट में लिमिटेशन है। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं होगा, आप लोग जब प्रोग्राम करोगे तब देखोगे यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा, है ना। सो पकड़ लो, ये मेरा पीएलसी। ओके, अब पीएलसी के साथ हम कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करते हैं। सपोज मैंने दो स्विच लिया, दो पुश बटन लिए, एक एनओ पुश बटन और एक एनसी पुश बटन। ठीक है, और एक आउटपुट लेते हैं, एक बल्ब ले लेते हैं। अब इनका कनेक्शन करते हैं, तो आप कनेक्शन क्या करोगे, वायर के थ्रू आप अलग अलग से, ऐसा नहीं है कि आप स्विच को एक दूसरे से या फिर आउटपुट के साथ लगा रहे हो। आप इनपुट कार्ड पे आपने सारे स्विचेस लगा दिए और आउटपुट कार्ड जो है उसमें आपने आउटपुट बल्ब लगा दिया। ओके, नाउ पीएलसी विल स्कैन I1 एंड I2। ये I1 क्या है, दिस इज माय पुश बटन 1। तो पुश बटन 1 को मैं बोल रहा हूं I1, इनपुट 1। वो कब स्कैन करेगा, ड्यूरिंग इनपुट स्कैन। I2 को कब स्कैन करेगा, ड्यूरिंग इनपुट स्कैन। एंड O1 ड्यूरिंग आउटपुट स्कैन। क्या कर रहा है, O1 को आउटपुट स्कैन पे, I1 I2 को इनपुट स्कैन पे, इनपुट स्कैन पे स्कैन करेंगे। ठीक है, इसका स्टेटस देखते हैं कि कैसे देखता है। द वैल्यू ऑफ I1 विल बी स्टोर्ड इन द इनपुट इमेज मेमोरी एज 0 ड्यूरिंग द इनपुट स्कैन सिंस इट इज एन ओपन लूप। अब बात को और थोड़ा खींच रहे हैं कि कैसे स्टोर करेगा 0, क्यों करेगा, बिकॉज इट इज एन ओपन लूप, है ना। ओपन लूप है तो पीएलसी अपने इमेज मेमोरी पे जहां पे ये वाला I1 का रजिस्टर आपने दिया हुआ है, स्टोर किया है, रिजर्व किया हुआ है, उस मेमोरी यूनिट पे वो 0 स्टोर करके रखेगी। फिर क्या है, I2 है,
अब सेकेंड चैनल पे जाएगी, सेकेंड इनपुट आई टू क्या करेगा, वो वन रखेगा, क्यों, क्योंकि ये क्लोज लूप है। तो हमको क्या याद रखना है, अगर क्लोज लूप होता है पीएलसी अपने इमेज मेमोरी पे वन स्टोर करती है, अगर ओपन लूप होता है तो पीएलसी अपने इमेज मेमोरी पे जीरो स्टोर करती है। क्लियर? नाउ व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ आउटपुट, आप लोग बताओ अभी आउटपुट क्या होना चाहिए, एनीबॉडी, आउटपुट का स्टेटस क्या होगा, वन होगा कि जीरो होगा? वन। कैसे पता? Because of we are using NC connector. The push button is I2. The current will be flow from PLC2 and bulbs. There will be one chance. Zero. But it's in NO. It is not parenthesis. So the bulb will be zero. So अभी output bulb का status क्या होना चाहिए? Zero की one. One sir. One होना चाहिए. एक बात बताओ, क्या इस input का इस output के साथ कोई connection है? कोई कनेक्शन नहीं है। कैसे कनेक्शन है? ये तो सिर्फ एक स्विच है ना, जिसको आपने इनपुट कार्ड पे लगा दिया है, ये भी स्विच ही इनपुट कार्ड पे लगा दिया है, और इसको भी आउटपुट कार्ड पे लगा दिया है। अभी इनके बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं। आप जब इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हो तो लाइन आता है, जैसे पहला क्लास में कराया था कि स्विच बनाए हैं, तो स्विच अगर क्लोज होगा तब जाके वो बल्ब पे करंट पास करा रहा है तो बल्ब जल रहा है। लेकिन यहाँ पे तो क्या हो रहा है भाई, इसमें ना तो करंट आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो तो आपने डायरेक्ट पीएलसी पे लगा दिया है, इसको भी डायरेक्ट पीएलसी पे लगा दिया। तो इसमें कौन सा ओ एनसी एंड एनओ है ना सर, एक्चुअली लाइक हैज इट्स स्विचेस सर, वो ये स्विच ही है, दीज आर द पुश बटन्स, दीज आर द पुश बटन्स, ये स्विच है। लेकिन समझो बात को, इस स्विच के साथ अभी पीएलसी क्या बोलते हैं इसको, आउटपुट का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, अभी कोई रिलेशन नहीं है। आप अगर स्विच को प्रेस करोगे तब भी कुछ नहीं होगा, स्विच को ओपन करोगे तब भी कुछ नहीं होगा, मतलब आउटपुट का क्या वैल्यू होगा वो हमको अभी नहीं पता है। द स्टेटस ऑफ आउटपुट विल डिपेंड ऑन द यूजर रिटन प्रोग्राम, आप जब पीएलसी को प्रोग्राम करोगे तब जाके सेट होगा कि आउटपुट का वैल्यू क्या होगा, क्या ये ऑन होगा कि ऑफ होगा, ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा आपके प्रोग्राम पे। हो सकता है इस कंडीशन पे ऑन हो जाए, हो सकता है वो ऑफ रहे, ये हम प्रोग्रामिंग जो लिखेंगे उसके हिसाब से होगा, है ना। नाउ हमको आउटपुट पता नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अभी उसको देखते हैं, प्रोग्राम करना पड़ेगा। सो लेट्स राइट अ सिंपल लॉजिक to understand ladder logic in a better way, है ना? So एक condition लेते हैं कि consider two inputs I1 and I2, दो input लेते हैं और एक output लेते हैं O1. Condition क्या दिया है? Condition दिया है when both the inputs are on, जब दोनों input on हो जाएंगे then output should on, otherwise not. मतलब दो input switch है और ये दोनों के दोनों जब ऑन होंगे तभी मेरा आउटपुट आना चाहिए, अदरवाइज नहीं आना चाहिए, है ना। चलो इसका देखते हैं कि अगर हम इसी ये जो कंडीशन दिया है इसको अगर हम इलेक्ट्रिकली करते तो दो स्विच लेते और दोनों को क्या करना चाहिए था, एसपीएसटी स्विच है तो लाइन न्यूट्रल लेते और दोनों को सीरीज में लगा देते, है ना। सीरीज में स्विच को लगाते तो जैसे ही मैं दोनों बल्ब को स्विचेस को ऑन करता, इसको ऑन करता, इसको ऑन करता, तो करंट पास होता बल्ब से और बल्ब मेरा जलता, ये तो था इलेक्ट्रिकल। बट जब हम पीएलसी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है, पीएलसी पे इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है, दूसरे एकदम बढ़िया से समझो, हर एक कंपोनेंट इंडिपेंडेंट है, इंडिविजुअली कनेक्टेड है पीएलसी के साथ, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है ना। सो ऑल द कंपोनेंट्स हियर आर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड टू ईच अदर मेकिंग ए क्लोज लूप, बट इन केस ऑफ पीएलसी टू एसपीएसटी स्विचेस विल बी कनेक्टेड इन द डिजिटल इनपुट कार्ड एंड द आउटपुट विल बी कनेक्टेड टू द डिजिटल आउटपुट कार्ड, सो दे आर नो कनेक्शन इन बिटवीन द टू, वी हैव टू राइट सम लैडर लॉजिक। तो ये जो लॉजिक हम लिखेंगे यहाँ पे, और लॉजिक लिख के जब हम
पीएलसी के अंदर डालेंगे वो लॉजिक इनके बीच पे एक कम्युनिकेशन क्रिएट कराएगा, तब जाके पीएलसी को पता चलेगा कि इन स्विचेस का क्या कंडीशन पे इस चैनल पे बल्ब को जलाना है या फिर बंद करना है। ठीक है, सो देखो इस टाइप से हम लेडर को लॉजिक लिखते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, कहाँ पे कंप्यूटर पे करेंगे पहले। तो यहाँ पे हमने जो लॉजिक लिखा है उस लॉजिक को देखो क्या दिया है, एक चेक फॉर वन फॉर इनपुट जीरो एंड दूसरा चेक फॉर वन फॉर इनपुट वन, मतलब दो इनपुट थे दोनों के लिए हमने चेक फॉर वन लगाया है और अपना आउटपुट कॉइल दे दिया। तो जैसे ही आप क्या कहते हैं उसको, जैसे ही हम क्या करेंगे स्विचेस को ऑन करेंगे, ये पहला स्विच एनओ था, ये दूसरा स्विच एनओ है, तो जैसे ही आप इसको ऑन करोगे इसको ऑन करोगे, इसमें वन आएगा तो करंट पास होगा, इसमें वन आएगा तो करंट पास होगा, आपका आउटपुट चलेगा, है ना। सो व्हेन बोथ द स्विचेस विल बी क्लोज्ड पीएलसी विल स्कैन वन फॉर आई वन एंड आई टू एंड द बल्ब विल ऑन सिंस वी हैव यूज्ड चेक फॉर वन सिंबल इन आवर लेडर। बट अगर आप यहाँ पे चेक फॉर जीरो सिलेक्ट कर लेते, अगर यहाँ पे हम चेक फॉर जीरो सिंबल लगाते हैं कोई भी एक का, तो ये क्या होता, बल्ब नहीं जलता, है ना, बल्ब नहीं जलता, समझ में आ रहा है। ओके, तो कुछ कुछ समझ में आया, कुछ कुछ समझ में आया प्रकाश। तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली देख के सर्किट को देख के आप बोल पाओगे कि आउटपुट क्या आएगा, कि ये स्विच लगा है तो आउटपुट ये आएगा, कभी नहीं बोल सकते, कोई नहीं बोल सकता है जब तक हम पूरा प्रोग्राम को नहीं देखेंगे, यू कैन नेवर प्रेडिक्ट कि क्या आउटपुट आएगा। ओके, नाउ कुछ रूल्स समझते हैं कि पीएलसी लेडर को लिखने का रूल्स आज समझ लेते हैं, ना। थैंक यू, टाइम है, रूल्स को समझ लेते हैं। पीएलसी लेडर हमेशा दो वर्टिकल लाइन के बीच पे लिखा जाता है, लेडर लॉजिक हमेशा दो वर्टिकल लाइन के बीच पे लिखा जाता है, और इन लाइन को हम किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिकल लेडर पे ड्रॉइंग करते हैं एक लाइन, एक न्यूट्रल की तरह हम प्रेडिक्ट इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। और जो बीच का जो लाइन होता है ना, इस लाइन को बोलते हैं रंग, इसको बोला जाता है रंग, ठीक है। हम जैसे इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं तो ये एक एक रंग होता है, और रंग शुरू होता है रंग 000 से, मतलब रंग जीरो से शुरू होता है रंग नंबर, रंग वन से नहीं होता है ना। सो द टू लाइंस मे बी कंसिडर्ड एज लाइन एंड न्यूट्रल एज इन केस ऑफ आवर इलेक्ट्रिकल सर्किट, लेफ्ट वर्टिकल लाइन इज लाइन एंड राइट वर्टिकल लाइन इज न्यूट्रल। ओके, एंड वी शुड रिमेंबर ऑलवेज दैट दिस लाइन एंड न्यूट्रल आर नॉट फिजिकल लाइन एंड न्यूट्रल, यहाँ से कोई फिजिकल करंट पास नहीं कर रहा है, दिस इज जस्ट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब पीएलसी एग्जीक्यूट करेगी तो टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट फ्लो करेगी, टॉप टू बॉटम करंट विल फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट। अगर यहाँ पे आने के बाद ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब जाके पीएलसी आगे बढ़ेगी, इसको वन करेगी, या फिर उसके आगे अगर कोई सिंबल है इसको एग्जीक्यूट करेगी। अगर ये सिंबल लगाया है चेक फॉर वन और इस वेरिएबल का वैल्यू होता है जीरो, तो पीएलसी आगे मूव नहीं करेगी, वो क्या करेगी, वो नीचे चली जाएगी टॉप टू बॉटम, फिर दूसरा जो रंग आएगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर तीसरा रंग आएगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, इस टाइप से सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट करेगा, और सिक्वेंशियली जो आउटपुट उसको मिलता रहेगा उस आउटपुट के वैल्यू को अपने इमेज मेमोरी पे सेट करता रहेगा, ठीक है। तो पहला चीज हमने देखा कि पीएलसी को कैसे लिखता है, दो वर्टिकल लाइन के बीच में रहना है, दोनों वर्टिकल लाइन को लाइन और न्यूट्रल बोल सकते हो, कि पीएलसी का जो करंट है वो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, कभी भी राइट से लेफ्ट की तरफ नहीं आएगा। दूसरा चीज टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट, ये सिक्वेंस पे पीएलसी एग्जीक्यूट करेगी। ओके जी, ये कुछ रंग लिखे हुए हैं, रंग 000 पे हमने क्या लिखा है कि पहले एक आउटपुट कॉइल लिखा, फिर दो तीन इनपुट लिए, बट यहाँ पे रॉन्ग दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि बल्ब आउटपुट एंड में रहना पड़ेगा। यस, आउटपुट विल बी ऑलवेज
एट द एंड साइड, ठीक है। तो पहला रूल क्या है, ऑल इनपुट शुड बी इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड आउटपुट कॉइल शुड बी इन द राइट हैंड साइड, और आउटपुट कॉइल जो है वो आपका न्यूट्रल लाइन के साथ कनेक्टेड है, ओके। सो लास्ट ट्रंक जो लिखा है, देखो यहाँ पे हमने तीनों इनपुट एक साथ लेफ्ट साइड में लिखा और आउटपुट को राइट हैंड साइड में लिखा, तो ये सही है। जो फोर्थ रंग है, जिसको हम थर्ड रंग बोल सकते हैं, 003 रंग फोर्थ रंग है, यहाँ पे भी सारे इनपुट क्या है लेफ्ट साइड में है, बट जो आउटपुट कॉइल है उसको हमने सीरीज पे लगा दिया है, विच इज रॉन्ग। आप कभी भी दो आउटपुट कॉइल को सीरीज पे नहीं लगा सकते हो, इसलिए मैंने बोला कि आउटपुट कॉइल का जो एंड है वो आपका न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड होना ही पड़ेगा, ठीक है। देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्टैक्ट्स और कॉइल्स आफ्टर एन आउटपुट कॉइल, क्लियर। तो ये हो गया अपना एक कंडीशन जिसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। क्या कंडीशन है, कि सारे इनपुट लेफ्ट साइड में और सारे आउटपुट राइट साइड पे, एक आउटपुट कॉइल का जो एंड है वो न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड है, बीच में कोई आउटपुट कॉइल नहीं लगा सकते, मतलब सीरीज पे आउटपुट कॉइल नहीं लगेगा, ओके। सो यहाँ पे समझ लिया हमने क्या लिखा है मैंने, स्टेप वन करंट। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने बता चुका हूँ फिर भी एक्सप्लेन करते हैं, कि फर्स्ट स्टेप, करंट इन ए लैडर फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट सिक्वेंशियली, करंट हमेशा टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट सिक्वेंशियली जाएगा, और अगर इस पर्टिकुलर सिंबल का जो वैल्यू आएगा वो मैच करता है, यहाँ पे ट्रू होता है लॉजिक, तो करंट आगे बढ़ेगा, अदरवाइज टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट, और इसी तरीके से एक्सिक्यूट करेगा। सेकेंड स्टेप में क्या लिखा है, वन लाइन इन ए लेटर इज नोन एज ए रंग, मतलब एक एक लाइन को रंग बोलते हैं, मैंने बता दिया आपको पहले ही। इट इज जस्ट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड द कॉन्टेक्ट्स एंड कॉइल्स एंड करंट्स आर वर्चुअल एंड नॉट फिजिकल, यहाँ पे जितने सारे कॉन्टेक्ट्स की बात हम कर रहे हैं, ये सारे कॉन्टेक्ट्स क्या है, वर्चुअल कॉन्टेक्ट है, इनको फिजिकल कॉन्टेक्ट से कोई मतलब नहीं है, दिस इज जस्ट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दो वी कंपेयर द लैडर लॉजिक विद इलेक्ट्रिकल सर्किट, द सर्किट कॉम्पोनेंट्स and circuit components, but we must remember that ladder is a virtual world. So ladder में कहीं पे कोई भी physical contact या coil use नहीं कर रहा है ना, सिर्फ क्या हो रहा है, physical part अलग है, जो field के side से values आ रहा है वो physical part है, values आने के बाद जो PLC शुरू हो रहा है वो virtual world है, और फिर जो output connection होगा field के साथ, that is physical part, okay? Next, we can write number of inputs, input contacts in series or parallel to each other. So input आप series में लगाओ, आप input को parallel ही connect करो, बहुत सारे loop बना के connect करो, कोई हर्ज नहीं है, आप हजारों loops बना सकते हो यहाँ पे, series parallel combinations बना सकते हो, but output आप नहीं लगा सकते हो, वो बोल दिया। अगर ऐसा कुछ करना पड़ जाए कि आपको एक ही condition से multiple outputs को टर्न ऑन करना है, ट्रिगर करना है, तो आप वो आउटपुट कॉइल्स को क्या करोगे, पैरेलली कनेक्ट करोगे, ताकि आउटपुट कॉइल का जो एंड टर्मिनल है वो एंड टर्मिनल हमेशा आपका न्यूट्रल लाइन से कनेक्टेड रहे, क्लियर। इनपुट बहुत सारे आप कनेक्ट कर दिए, लेकिन आउटपुट क्या है, पैरेलली कनेक्ट किया, आउटपुट कभी भी सीरीज पे कनेक्ट नहीं करना है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो लॉजिक बना हुआ है, हमने सारे इनपुट्स लिए हैं और सारे इनपुट्स लेफ्ट साइड पे रखे हैं, तो करेक्ट है। एंड इस रंग पे भी देखो तो सारे इनपुट क्या है, लेफ्ट साइड पे है, तो करेक्ट है, इसमें भी इनपुट्स आउटपुट करेक्ट है, बट द प्रोग्राम एज ए होल इज नॉट करेक्ट, द प्रोग्राम एज ए होल इज नॉट करेक्ट। ये प्रोग्राम को अगर मैं पीएलसी में डाउनलोड करूंगा तो वेरीफाई करूंगा या कंपाइल करूंगा, तो पीएलसी कभी भी मुझको कोई एरर सिग्नल नहीं देगी, पीएलसी उसको आराम से अलाउ करेगी, डाउनलोड भी करेगी, एग्जीक्यूट भी करेगी, पीएलसी को पता नहीं चलेगा कि इस प्रोग्राम पे क्या एरर है, बट इसमें एक फेटल एरर है जो आपका पूरा सारा जो कंडीशंस आपने बनाया ना सबको डमाडोल कर देगी। क्या एरर दिखता है यहाँ पे, किसी को एरर नजर आता है यहाँ पे, देखो तो इस प्रोग्राम पे, एनीबॉडी कैन फाइंड एनी एरर हियर, हमने बहुत सारे इनपुट्स लगाए हैं,
बहुत सारे तीन आउटपुट लगाए हैं, कोई एरर दिखा? कुछ नहीं समझ में आएगा, बताता हूं। यहाँ पे देखो आउटपुट नंबर वन जो है हमने यूज किया ओ कोलन जीरो, और सेम आउटपुट हमने यहाँ पे ट्रिगर किया है ओ कोलन जीरो, है ना। दिस आउटपुट एंड दिस आउटपुट हैज द सेम आर शेयरिंग द सेम एड्रेस। जो एड्रेस वेरिएबल का जो एड्रेस यूज किया है आपने, इसको हम एड्रेस बोलेंगे, वो एड्रेस सेम है दोनों का। तो अगर दो आउटपुट का एड्रेस सेम होगा तो पीएलसी कंफ्यूज हो जाएगी, मतलब पीएलसी कंफ्यूज नहीं होगी, पीएलसी क्या करेगी, इसके ऊपर इसको ओवरराइड कराएगी। पकड़ लो कि आपका आपका आपने यहाँ पे कुछ स्टॉप के लिए, इमरजेंसी स्टॉप के लिए यहाँ पे आपने जनरेट किया था ये वाला आउटपुट, पहला आउटपुट जो जनरेट किया था वो आपका इमरजेंसी स्टॉप के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आपने बोला कि मेरा जो मशीन है ये वाला आउटपुट आएगा तो बंद हो जाएगा, और आपने ये जो आउटपुट लिया तो इसी मशीन का आपने बोला कि ये आउटपुट आएगा तो मशीन चालू होना चाहिए, है ना। अब क्या हुआ कि आपका मशीन को आप किसी ने स्टार्ट कमांड दिया और आपने देखा कुछ मिस हैपनिंग है, आपने इमरजेंसी स्टॉप मारा, तो इमरजेंसी स्टॉप आना चाहिए था, बट पीएलसी कैसे एग्जीक्यूट करती है, पीएलसी टॉप टू बटम लेफ्ट टू राइट करती है ना, टॉप टू बटम लेफ्ट टू राइट। तो इस आउटपुट का एक रजिस्टर अगर यहाँ पे मैं लेता हूँ वो कॉलन 0.0/0 किया, तो क्या होगा, इसका वैल्यू क्या आया, इसका वैल्यू आया 1, तो होना चाहिए था ये बंद, यहाँ पे वैल्यू आया 1, होना चाहिए था ये 1, तो पीएलसी कंफ्यूज हो गया, यार मैं बंद करूँ कि 1 करूँ। दूसरी चीज पकड़ लो कि इस ये अगर 1 आता है तो फिर क्या कहते हैं इसको, बंद होना चाहिए, लेकिन ये 0 आया, तो जैसे इसको 0 मिलेगा पीएलसी क्या करेगी, इसको ओवरराइड कर, तो 1 आना चाहिए था वो 0 ही आएगा। तो हमेशा ये जो कॉन्टेक्ट, ये जो आउटपुट है वेरिएबल है, वही इस कॉइल इस रजिस्टर पे ओवरराइड करती रहेगी, इसका वैल्यू कभी भी आपको नहीं मिलेगा। सो एज ए होल आपका प्रोग्राम जो है वो गलत हो गया, है ना, लेकिन पीएलसी को कोई सिंटेक्स एरर नहीं दिख रहा है यहाँ पे, इसीलिए पीएलसी अलाउ कर देती है। पहले के जितने सारे केसेस हमने लिए थे उसमें क्या हो रहा था कि पीएलसी को सिंटेक्स एरर मिल रहा था, इसलिए पीएलसी आपको अलाउ ही नहीं करती, वो एरर शो करती आपको। इस टाइप के प्रोग्राम पे पीएलसी कोई इंडिकेशन नहीं देती आपका, है ना, सो देयर इज नो सिंटेक्स एरर, इसीलिए पीएलसी अलाउ कर देगी, बट एज ए होल पे प्रोग्राम सर इनपुट वेरिएबल सेम है ना सर, वो एरर आ जाएगा सर। क्या चीज, ओ इनपुट वेरिएबल है ना सर, आई पॉइंट आई इज 0, अच्छा 0, वो भी सेम आ जाएगा सर यहां पे, हां यहां पे जो यूज करो, देखो ये एक इनपुट वेरिएबल को आप हजार बार यूज कर सकते हो, 1000 times, मिलियन टाइम्स, दैट इज मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट एक आउटपुट वेरिएबल को एक ही बार आप ट्रिगर कर सकते हो। आप बोलोगे ऐसा क्यों, क्यों पार्शियलिटी कर रहे हैं सर, मैं नहीं कर रहा हूं। क्या है, जब हम इनपुट को यहाँ पे जब वेरिएबल असाइन कर रहे हैं, वेरिएबल को असाइन करने का मतलब क्या है, इनपुट रजिस्टर है और इनपुट रजिस्टर पे आपने एक पर्टिकुलर स्लॉट को रिजर्व कर दिया है इस नाम से, है ना, यही तो है। पकड़ लो ये 0 है, ये 1 है, और इस पूरे को मैं लिख रहा हूँ i:0.0। अब 0, 1, 2 इस टाइप से ये रजिस्टर का एड्रेस सेट किया हुआ है। सिमिलरली जो आउटपुट रजिस्टर होगा, मेमोरी रजिस्टर, उसमें भी इसी टाइप से o:0.0 0, 1, 2 इस टाइप से इसका एड्रेस है ना। अभी पकड़ लो मैं जब कोई एक सिंबल यूज कर रहा हूँ इनपुट के लिए, और इनपुट वेरिएबल जब इसमें डाटा स्टोर कर रहा है, तो ये कब करेगा, जब मेरा इनपुट स्कैन करेगा, ठीक है, मतलब पीएलसी फील्ड में क्या स्टेटस है उसके हिसाब से यहाँ पे 0 या फिर 1 सेट करेगा। मैं यहाँ पे जब ये वाला सिंबल यूज कर रहा हूँ एनसी, या फिर मैं क्या बोला था चेक फॉर 0, तब भी मैं यहाँ पे इस वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे एक चेक फॉर 1 यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे भी इसी वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे यूज किया चेक फॉर 1, यहाँ पे भी इसी वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ, तो मैं तो वेरिएबल रीड कर रहा हूँ ना, दिस इज अ रीड इंस्ट्रक्शन,
तो मैं हजार बार पढ़ सकता हूं इसको, मैं जनरेट नहीं कर रहा हूं, दो जगह पे जनरेट नहीं कर रहा हूं। जनरेट मैंने एक ही बार किया, कब, जब मैंने इनपुट स्कैन किया था तब ये वाला वैल्यू जनरेट हुआ था, है ना। अब क्या कर रहा हूं, मैं रीड कर रहा हूं, तो रीड तो कोई भी कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है, कॉल कर रहे हो आप बार बार अपने प्रोग्राम पे इसी वैल्यू को कॉल कर रहे हो, बट आउटपुट क्या है, आउटपुट आप जनरेट कर रहे हो। तो आप एक ही जगह पे, एक ही स्लॉट पे अगर आप दो तीन बार जनरेट करते हो, एक बार वन जनरेट करते हो, फिर उसको जीरो बनाते हो, फिर वन बनाते हो, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, कोई एक ही वैल्यू मिलेगा जो लास्ट में जनरेट हुआ होगा। ये तो हमेशा ओवरराइट करता रहेगा, क्योंकि पीएलसी एक बार फर्स्ट रन को एग्जीक्यूट किया और आउटपुट को सेट कर दिया, फिर सेकंड रन को एग्जीक्यूट किया फिर आउटपुट को सेट कर दिया, ऐसा तो करेगा नहीं। पीएलसी पूरे सारे रन को एक ही साथ एग्जीक्यूट करेगी सिक्वेंशियली, एंड देन इट विल गो फॉर द आउटपुट स्कैन। तो जो लास्ट वैल्यू उसके मेमोरी पे रहेगा उसी वैल्यू पे वो काम करेगा। दैट इज व्हाई वी कैन नॉट जनरेट और ट्रिगर, उसको ट्रिगर भी बोल सकते हो, जनरेट भी बोल सकते हो, वी कैन नॉट जनरेट और ट्रिगर द सेम एड्रेस, सेम आउटपुट एड्रेस सेवरल टाइम्स इन ए प्रोग्राम, बट वी कैन कॉल मिलियंस टाइम्स द सेम इनपुट वेरिएबल। ओके ओके, इनपुट वेरिएबल पे आप कितना भी बार यूज कर सकते हो, और एक ही प्रोग्राम पे एक बार चेक फॉर जीरो के लिए कॉल कर रहे हो, एक बार चेक फॉर वन के लिए कॉल कर रहे हो, वही सेम वेरिएबल। क्योंकि सिंबल से आपको क्या समझ में आता है पीएलसी को, हमको नहीं, हमको क्या समझना है, पीएलसी को समझना है। जब मैं ये सिंबल लिख दे रहा हूं तो पीएलसी समझ रहा है कि पीएलसी क्या समझ रहा है कि भाई इसका प्रॉपर्टी क्या है। इस सिंबल का प्रॉपर्टी ये है कि ये अगर वन होता है तो लॉजिक करेक्ट है, वो आगे बढ़ने को परमिशन देगी, और अगर यहाँ पर ये वाला सिंबल होता तो अगर इसका वैल्यू जीरो होता तब जाके समझ में आता कि ये लॉजिक करेक्ट है, पीएलसी परमिशन देगी आगे बढ़ने के लिए। अब इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू आप कोई भी वेरिएबल यहाँ पे लगा रहे हो ना, वहां से कॉल कर रहे हो, यहां से कॉल कर रहे हो, ठीक है। तो आप मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हो सेम वेरिएबल को, एक बार चेक फॉर वन के लिए कॉल करो, एक बार चेक फॉर जीरो के लिए कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, यस सर, अंडरस्टैंड। चलो ठीक है, तो भाई आप लोगों ने पीएलसी के सारे रूल समझ लिए आज, और बजने वाला है, मैं सिर्फ एक ये करता हूँ आपको रियल टाइम पीएलसी का बेसिक ये दिखा रहा हूँ, एक सॉफ्टवेयर कि ये जो भी हमने अभी देखा है वो होता क्या है प्रैक्टिकली, उसको देखो। सो दिस इज अ सॉफ्टवेयर, क्या नाम है इसका, आरएस लॉजिक्स माइक्रो स्टार्टर, है ना। ये एलन ब्रेडली का सॉफ्टवेयर है, और इसमें पकड़ लो हमको प्रोग्राम करना है, तो मैं फाइल न्यू कर रहा हूँ, मैं अपना सीरीज जो भी होगा पीएलसी का उस सीरीज के हिसाब से, जैसे मैं सीरीज को सिलेक्ट करता हूँ तो एक प्लेटफॉर्म खुलता है मेरे सामने, और यहाँ पे मैं लेडर को लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड पे देखते हो तो एक डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है जहाँ पे बहुत कुछ लिखा है कि कंट्रोलर कौन सा, प्रोग्राम फाइल, यहाँ पे चैनल कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं हम लोग कि क्या क्या लगाएंगे, चैनल वन पे क्या लगाएंगे, बहुत सारा चीज़ें उस पर अभी मत जाओ। आईओ कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो कि आप कौन कौन सा कार्ड यूज कर रहे हो उस पीएलसी के साथ, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के लिए बहुत सारे मॉड्यूल्स मिलेंगे कि 8 इनपुट आप यूज कर रहे हो, 16 इनपुट यूज कर रहे हो, 32 इनपुट यूज कर रहे हो, उस टाइप से आप सिक्वेंशियली कि पीएलसी का एक सीपीयू होगा उसके साथ क्या क्या कार्ड लगा है वो कार्ड का इंफॉर्मेशन आप यहाँ से सिलेक्ट करके दोगे, उसको हम बोलेंगे आईओ कॉन्फ़िगरेशन। फिर आपका जो लेडर प्रोग्राम फाइल्स होगा, पीएलसी का जो प्रोग्राम फाइल्स है उसमें सिस्टम जीरो सिस्टम वन ये रिजर्व रखता है पीएलसी अपने लिए, इसको आप छेड़ नहीं सकते हो। आपके पास यूजर डिफाइंड या फिर यूजर के लिए कौन सा दिया हुआ है, लेडर टू से, लेडर टू से जो फाइल है वो आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारा लेडर शुरू होता है, और हम लोग इसमें बहुत सारे लेटर यूज भी कर सकते हैं और भी लेटर्स यूज कर पाएंगे। एनीवेज, उसके बाद आपके सामने है डाटा फाइल्स, डाटा फाइल्स पे आउटपुट रजिस्टर, इनपुट रजिस्टर, स्टेटस बिट, बाइनरी बिट्स, टाइमर, काउंटर, ये सारे अलग अलग रजिस्टर्स हैं। अगर आप इनपुट रजिस्टर को खोलते हो तो इस टाइप से दिखेगा। सो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि दिस इज ए 16 बिट रजिस्टर, जीरो से शुरू हुआ है 15 तक, मतलब टोटल 16 बिट रजिस्टर है मेरा इनपुट रजिस्टर,
i:0.0/0 से शुरू करके /15 तक, है ना, फिर 1.1 पे 0 से शुरू करके 15 तक, इस टाइप से इनपुट रजिस्टर होता है। और हम इसी एड्रेस की बात कर रहे थे कि यहाँ पे 1 होगा कि 0 होगा, 1 होगा कि 0 होगा, इस टाइप से जाएगा, है ना। अब देखते हैं कि आउटपुट रजिस्टर को देखो, आउटपुट रजिस्टर खोलोगे तो सेम दिखेगा, वो :0.0 दिख रहा है यहाँ पे, और एक एक ये जो बिट्स है इसी बिट को मैं जो बोला था कि एक एक रजिस्टर वो रिजर्व करके रखा है और यहीं पे जाके आपका डाटा जो है वो स्टोर होगा। ओके, अभी हम जब प्रोग्राम करेंगे, दिस इज योर रंग जीरो से शुरू करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये चेक फॉर 1 एक कॉन्टेक्ट ले लिए, i:0.0/0 इसका एड्रेस देंगे, इसमें आप क्या लिखोगे, पकड़ लो दिस इज योर पुश बटन 1, तो आपने लिख दिया पुश बटन 1, तो हो गया। फिर आप एक आउटपुट कॉइल लगाओगे, काइंडली डू नॉट एनोटेट, रिमूव इट, somebody is doing, please don't annotate, thank you। So यहाँ पे अगर आप देखते हो कि एक आउटपुट कॉइल ले लिया मैंने, अब आउटपुट कॉइल को अभी एड्रेस देना पड़ेगा o:0.0/0, और इसको सपोज आपने बोला कि बल्ब 1, अब ये ले लेगा बल्ब 1। नाउ वंस वी राइट द प्रोग्राम, उसके बाद हमको क्या करना है, इसको इस फाइल को आपको वेरीफाई करना है, इसको कंपाइल करना है, तो कोई एरर नहीं दिखा रहा है। सिमिलरली मैं यहाँ पे और एक टूल देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ i:0.0 और इसको एंटर कर देता हूँ। अगर मैं इसका सिंबल का कुछ नाम ना दूं तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके साथ मैं एक आउटपुट कॉइल लगा देता हूँ, o:0.0/0/1, आउटपुट का कोई नाम नहीं दे रहा हूँ मैं, और इसके बाद मैं एक इनपुट लगा देता हूँ दिखाने के लिए आपको। अब देखो क्या क्या एरर आता है जब मैं वेरीफाई करूंगा फाइल को और कंपाइल करूंगा, यहाँ पे आपको एरर दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो एरर सिग्नल पीएलसी को सिंटेक्स एरर मिल गया, तो वो सिंटेक्स एरर हमको शो करेगी कि भाई आपके प्रोग्राम पे ये एरर है। तो कहाँ पे एरर है कैसे पता चलेगा, मैं इस एरर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये गाइड कर रहा है कि यहाँ पे एरर है। क्या एरर है, क्या लिखा है, आउटपुट मिसिंग ऑन रन, तो वो उसको आउटपुट मिला ही नहीं, वो सारे के सारे को इनपुट टाइप पकड़ रहा है। तो एक काम करते हैं, इस इनपुट को मैं डिलीट कर देता हूँ, हमारे आउटपुट अब फिर से वेरीफाई करता है, देखो ये पहला एरर चला जाए तो फर्स्ट एरर इज गॉन, लेकिन और एक एरर रहा। क्या एरर आ रहा है कि एड्रेस मस्ट बी स्पेसिफाइड टू बिट लेवल, और कहाँ पे है, यहाँ पे, देखो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो एड्रेस मस्ट बी स्पेसिफाइड टू द बिट लेवल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बिट लेवल, बिट लेवल मतलब ये जो हमने यहाँ पे दिया i:0.0, ये तो पूरा एड्रेस बार को ये कर रहा है ना, पूरा वर्ल्ड को दिखा रहा है 16 बिट, तो इसमें से कौन सा बिट वो पकड़ेगा वो मैंने डिफाइन नहीं किया था यहाँ पे। यहाँ पे जब हमने इनपुट लिखा है, यहाँ पे देखो i:0.0 लिख के छोड़ दिया है, तो मुझको यहाँ पे देना पड़ेगा /1/2 कुछ भी, तो /5 दे रहा हूँ, ओके। अब मैं अगर इसको वेरीफाई करता हूँ तो एरर चला गया, तो अभी सिंटेक्स एरर कुछ नहीं है, ओके। कंपाइल करके मैं इसको सेव कर लूंगा, फिर मैं डाउनलोड करूंगा कम्युनिकेशन पे जाके, और कुछ प्रोटोकॉल्स हैं उसको देखते हुए मैं इसको ऑनलाइन पे या क्या कहते हैं उसको ऑनलाइन पे चेक कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें बाद में सीखेंगे, ठीक है। समझ में आया कुछ कुछ पीएलसी के बारे में, कैसा लगा सेशन, हाउ वाज द सेशन, i:0.1/5 ऐसा किया ना सर, ओके क्लियर सर, क्या चीज 0.0/5 r:0.0/1 ऐसा किया ना सर, वो स्लैश वो क्या था, सो दैट इज सिंटैक्स, ठीक है। वो सिंटैक्स क्या होता है वो हम आगे के क्लास पे सीखेंगे, ठीक है, कि किस तरह ये सिंटैक्स जो होता है ना लिखने का, वेरिएबल को असाइन करने का, वो अलग अलग पीएलसी का अलग अलग होता है। आपको i:0.1 i:0.2 यूज कर सकते क्या सर, मैं समझ नहीं पाया, इनपुट दे रहा है सर, इनपुट वेरिएबल दे रहा है ना सर अपन,
I 0.01 by 1 and 0.0 by 5. Oh, instead of that value, can we use like 0.1, I 0.2? 0.1, 0.2? नहीं, 0.1 आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर दिखाया ना, अभी दिखाया था आपको देखे में कि अगर आप 0.1 लेते हो तो वो एरर शो करेगा, दिखा रहा हूँ। क्यों नहीं लेगा वो भी बता रहा है ना। अभी मैं इसको चेंज करके, इस फाइव है ना, इसको आप बोल रहे हो कि मैं अगर 0.1 दे देता हूँ, है ना, यही बोले 0.1 मैंने दे दिया इसको, है ना। अब मैं अगर वेरीफाई करता हूँ तो यहाँ पे देखो एरर आएगा। क्या एरर आया? एड्रेस मस्ट बी स्पेसिफाइड टू द बिट लेवल। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ये जो है, जब मैं 0.1 दे रहा हूँ, सो पीएलसी समझ रहा है कि इस, ये जो पूरा बिट है ना, ये जो वर्ड है पूरा, मतलब फर्स्ट वर्ड जो है वो कहाँ से शुरू हुआ है, 0 से लेके 15, मतलब पहला 16 बिट। अब जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 0.1, तो पीएलसी को समझ में आ रहा है कि यार 16 बिट तो चला गया, 17 बिट से लेके 32 बिट तक का कोई एक रजिस्टर होगा, वो समझ में आया इसको। लेकिन कौन सा होगा? आपने लोकेलिटी का एड्रेस दे दिया इसको, आपने हो सकता है कि लेन का एड्रेस दे दिया, लेकिन लेन में घर कौन सा, उसका एड्रेस नहीं दिया कि कौन से घर से उठाना है, है ना। तो अभी 0.1 स्लैश जब मैं दूंगा यहाँ पे, कि अगर मैं इसको 0 स्लैश भी दे देता, कि 0 स्लैश 1 दे देता, ठीक है, 0 डॉट नहीं देके 0 स्लैश देता और वेरीफाई करता हूं, तो देखो ये ले रहा है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट 0.01 ले रहा है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये 0.01 ये वाला बिट ले रहा है। क्लियर हुआ? तो हमको हमेशा जब कभी भी हम एड्रेस को स्पेसिफाई करेंगे तो आपको पूरा एड्रेस लिखना पड़ेगा। आप अगर सिर्फ गली का नाम लिख के छोड़ दोगे और घर का एड्रेस नहीं दोगे, हाउस नंबर नहीं दोगे, तो चिट्ठी नहीं पहुंचेगी आप तक, है कि नहीं? यस सर, यस सर। ओके सर, हाँ बोलो सर। जैसे कि ये या तो जीरो होगा या तो वन होगा, तो सर ये जो इतना बड़ा रजिस्टर है उसमें से सर एक हम उसमें एक जगह पर रख देते हैं, जीरो एक जगह पर रख देते हैं, इसी दोनों से हम रीड करवा लें, इतना बड़ा टेबल बनाने की क्या जरूरत है? नहीं, इतना बड़ा टेबल का मतलब आप तो एक एक इनपुट से तो काम नहीं चलेगा ना आपका, हर एक इनपुट के लिए आपको एक एक रजिस्टर चाहिए, ठीक है। आपने जो आई वन एक पुश बटन कनेक्ट किया चैनल वन पे, एक पुश बटन कनेक्ट किया चैनल टू पे, तो वो इनपुट वन के लिए एक रजिस्टर चाहिए, इनपुट टू के लिए दूसरा रजिस्टर चाहिए, रजिस्टर नहीं दूसरा बिट चाहिए, ओके। तो जितना इनपुट आप यूज करोगे उतना आपको उतना बिट्स उतना घर चाहिए ना, जहां पे आप उसका वैल्यू स्टोर करके रखो। तो ये जितना इनपुट और आउटपुट आपका पीएलसी, जितना नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट वाला पीएलसी आप लोगे, फर्स्ट क्लास में बताया था कि हम पीएलसी को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आईओस, कि एक पीएलसी में कितना आईओस है ना। तो पकड़ लो आपने एक छोटा पीएलसी लिया जिसमें आपका 10 इनपुट्स एंड 8 आउटपुट, टोटल 18 इनपुट आउटपुट मिलेंगे आपको। तो ये 18 इनपुट और आउटपुट जो मिल रहे हैं उनका वैल्यू एक ही साथ आपको पीएलसी में जमा करके रखना है ना ड्यूरिंग लॉजिक एग्जीक्यूशन। तो सबके लिए अलग अलग खाना चाहिए आपको, अलग अलग रूम चाहिए, ठीक है। हर्ष समझ में आया? हाँ हर्ष, आपका आवाज सही से नहीं आ रहा है, नेटवर्क इश्यूज। हाँ बोलो। नहीं, आवाज नहीं आ रहा है हर्ष। आपने बोला था ना कि एक ही जगह से हम लोग कई बार रीड करवा सकते हैं। हाँ हाँ एक्जेक्टली, हाँ तो कर सकते हैं, उसमें क्या है। अभी एक मिनट, क्या कंफ्यूजन हो रहा है मेरे समझ में। अभी आप यहाँ पे जो इनपुट रजिस्टर है, ये जो बिट है यहाँ पे, कोई भी एक पर्टिकुलर बिट पकड़ लो, सपोज मैं आई कॉलोन 0/2 ये वाला बिट पकड़ रहा हूँ, ठीक है। ये जो बिट मैंने 1 बना दिया, सॉरी
इसको मैंने वन दिया है, ये वाला बिट है, इसको मैं अपने प्रोग्राम पे कितने भी बार चाहिए तो मैं यहां से ले सकता हूं, है ना। आप कहां पे मिक्स कर रहे हो, आप इनपुट और प्रोग्राम को मिक्स कर रहे हो। एक चीज है कि आपने इनपुट डिवाइसेस जितने सारे हैं उसको आपने पीएलसी के साथ कनेक्ट किया और एक एक डिवाइस को एक एक चैनल के साथ कनेक्ट किया। अब जितना चैनल वाला पीएलसी आप लोगे उतना चैनल आपके यहाँ पे रजिस्टर पे चाहिए ना उनका वैल्यू स्टोर करने के लिए। जितना आईओस है उतना रजिस्टर मिनिमम चाहिए उतना, तब जाके यहाँ से हर एक चैनल का वैल्यू एक एक पर्टिकुलर जगह पे जाके वो स्टोर होगा। ओके, अब एक बार जब स्टोर हो गया इस वैल्यू को मैं अपने प्रोग्राम पे कितना भी बार चाहे मैं एक ही एड्रेस को मैं बार बार रिपीटेडली कॉल कर सकता हूँ इनपुट्स को। हर्ष समझ में आ रहा है अभी? हाँ सर, हाँ सर, यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस से समझो। एक सेक्शन क्या है? फील्ड है। एक सेक्शन क्या है? फील्ड है, जहाँ पे आपने आपका जितना सारा इनपुट डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइसेस है, जैसे आपका पुश बटन हो गया, आपका ट्रांसमीटर्स हो गए, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हो गए, वो सारे स्विचेस या फिर सेंसर्स वो आपने फील्ड पे लगा के रखा है और फील्ड से आपने कनेक्ट किया है पीएलसी के साथ। फील्ड से आपने कनेक्ट किया है पीएलसी के साथ और सेम फील्ड से ही आपने कनेक्ट किया है आपके आउटपुट सेक्शन पे। तो ये मेरा आउटपुट सेक्शन है, ओके, दिस इज माय इनपुट सेक्शन। दोनों सारे डिवाइसेस फील्ड पे है जिनको हमने वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। पीएलसी ये जो चैनल है ना, उस चैनल में जो वैल्यू आ रहा होगा ड्यूरिंग इनपुट स्कैन, जो वैल्यू आ रहा होगा उन वैल्यू को स्टोर करके रखती है इस रजिस्टर के अंदर। तो जितने चैनल्स होंगे उतना रजिस्टर हमको चाहिए मिनिमम, क्लियर। और ये सिर्फ डिजिटल की बात कर रहे हैं, एनालॉग तो अभी हमने छेड़ा ही नहीं है। तो हम सिर्फ डिजिटल में क्या है, एक एक बिट आएगा, इधर जीरो आएगा, वन आएगा। लेकिन वही पे जब आप एनालॉग देखोगे और एनालॉग में अगर पकड़ लो आपको 27 वैल्यू स्टोर करना है तो आपका एक बिट से तो होगा नहीं, उसके लिए आपको 8 बिट रजिस्टर चाहिए या फिर 16 बिट रजिस्टर चाहिए। उसके लिए वर्ड डबल वर्ड यूज करोगे तो उसमें मत जाओ। अभी हम सिंपली समझ रहे हैं कि एक डिजिटल वैल्यू जब आ रहा है कि जीरो आ रहा है या वन आ रहा है और उसको पीएलसी क्या कर रही है, अपनी इंटरनल मेमोरी पे स्टोर कर रही है और यहीं से कॉल करके वो फिर लॉजिक पे एग्जीक्यूट करा रहा है, ठीक है। चलो धीरे धीरे और बढ़िया से क्लियर होगा। आज इंट्रोडक्शन था, पहला ही दिन था और ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत आसान चीज है, काफी कॉम्प्लेक्स चीज है, बट बहुत ही सिस्टमेटिक वे में मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। आप लोग सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ उस पे उतने को फोकस पे रखो कि क्या है, ये सिस्टम है, सिस्टमेटिकली चलेगी पीएलसी और हमको भी सिस्टमेटिकली इस चीज को सीखना है ना। और तो एक बार ये करते हैं, समराइज करते हैं चीजों को। हमने देखा था क्या कि पीएलसी कैसे काम करती है, स्कैन साइकिल पे काम करती है। स्कैन साइकिल क्या होता है? सबसे पहले आपका होता है इंटरनल चेक होता है ना, फिर इनपुट स्कैन होता है, फिर लॉजिक एग्जीक्यूशन होता है और फिर आउटपुट स्कैन होता है और फिर इंटरनल चेक होता है। इंटरनल चेक को कई लोग हाउसकीपिंग भी बोलते हैं, हाउसकीपिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है पीएलसी का स्कैन और ये कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है। एक बार आपने प्रोग्रामिंग कर दिया, रन मोड पे डाल दिया तो चलता रहता, ठीक है। और फिर इंपॉर्टेंट चीज जो सीखा हमने, तीन सिंबल देखा, उस सिंबल में से पहला सिंबल था चेक फॉर वन, दूसरा सिंबल जो था वो था चेक फॉर जीरो और तीसरा सिंबल था अपना आउटपुट कॉइल, नॉन रिटेंटिव कॉइल। चेक फॉर वन कैसे काम करता है? चेक फॉर वन काम करता है जब इसका इसके साथ जो असाइंड वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का जो वैल्यू है वो अगर वन होगा तो ये करंट को पास होने देगा, मतलब आगे इसके आगे जो हमने जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे उन सबको एग्जीक्यूट करेगा। जहां पे जाके वो रुक जाएगा पीएलसी, उस जहां पे फॉल्स हो जाएगा उसके आगे पीएलसी जाएगी नहीं, पीएलसी सीधा टॉप टू बॉटम जाएगी और लेफ्ट टू राइट। ओके, यही सारी चीजें हमने सीखी आज, क्लियर।
ओके सो आज का क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, है ना। कैसा रहा सेशन, समझ में आया चीजें? यस सर। ओके तो आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर।